फ्रेंड्स इसको करने के लिए आपको जाना होगा कोई भी एक ब्राउजर पर, और आप इसको मोबाइल से, लैपटॉप से या किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। तो देखिए मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद आपको इधर सर्च करना होगा reduceimages.com। तो इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इसमें आ सकते हो। तो देखिए इस प्रोसेस से आपका फोटो सिग्नेचर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का रिसाइज या उसको कॉम्प्रेस करके MB को कम करना, KB में लाना, तो आप किसी भी साइज का बना सकते हो। जैसे कि 5 KB बनाना हो, 10 KB बनाना हो या 20 KB बनाना हो, मतलब आपका फोटो रहेगा बहुत हाई डेफिनेशन या हाई MB में रहेगा, तो उसको आप आसानी से कम KB में बना सकते हो। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट में ही आना होगा। बहुत ही एक शानदार वेबसाइट है और बहुत ही इजी तरीके से काम होता है। तो देखिए इसमें आपको, देखिए ड्रॉ योर इमेज हियर, तो सिलेक्ट इमेज, तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो भी फोल्डर रहेगा फोल्डर में ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो भी फाइल आप रिड्यूस करना चाहते हैं या रिसाइज करना चाहते हैं तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए मैं इधर से एक फोल्डर ओपन करूंगा और ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि फोटो का साइज कितना है, जो सिग्नेचर है सिग्नेचर का साइज कितना है, फिर इसका कितना KB में है या MB में है, तो सब कुछ आप देख सकते हो। देख के देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए कि इसमें ज़्यादा है, मैं कम करने वाला हूँ। तो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना भी कम हो आप कर सकते हो। तो देखिए मैं फर्स्ट में जो सिग्नेचर है सिग्नेचर को मैं सिलेक्ट करके इसको ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि सिग्नेचर को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सिग्नेचर को बहुत ही कम MB में अपलोड करना होता है, जैसे कि 10 MB या 20 MB मैक्सिमम रहता है। तो देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर आप देख सकते हो, देखिए इसमें कितना KB है, मैं आपको फर्स्ट दिखा रहा हूँ 59.2 KB है। तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद आप इधर देख सकते हो इसका साइज क्या है और इसमें कितना KB का मतलब फोटो है। फिर अगर आपको देखिए इसका जो साइज को आप चेंज करना चाहते हो, यानी पिक्सल को आप चेंज करना चाहते हो, जैसे कि 300x200 आप करना चाहते हो, तो इसमें पहले देखिए इसमें पिक्सल कर दिया। तो पिक्सल करने के बाद आप देख सकते हो इधर 800x300 है। तो देखिए अगर आपको इसको करना है 300x150, तो देखिए फर्स्ट विथ आप कितना करेंगे, 300 कर दिया मैंने, फिर आपको जो हाइट है 150 कर दिया। तो देखिए पिक्सल में ले लिया, मतलब ये फोटो का जो रेजोल्यूशन है एक कम हो गया। फिर आपको जाना है क्वालिटी में, तो क्वालिटी 90 है तो इसमें आप 70 कर दीजिए, फिर इसको रिसाइज में क्लिक कर दीजिए। तो रिसाइज में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो 2.92 KB हो गया। तो देखिए कितना कम हो गया। तो इतना कम आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा क्वालिटी और भी ज़्यादा करना है, ताकि इसका जो MB है या भी है वो थोड़ा ज्यादा हो जाए। फिर आप देख सकते हो 6 पॉइंट, तो आपको फिर थोड़ा ज्यादा करना है। तो इस हिसाब से आप कीजिए, आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा कितना KB चाहिए या कितना मतलब आपको साइज चाहिए, तो उस हिसाब से आप क्वालिटी को कम ज़्यादा कीजिए, तो आपका जो KB है KB भी कम ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने देखिए 100% करने से ये बहुत ज़्यादा होता है, 34.68 होता है। फिर मैंने 95 कर दिया, तो 95 करने से हो जाएगा 10, थोड़ा और ज़्यादा करते हैं, फिर देखिए 14 हो गया। तो इस हिसाब से आप कीजिए, मतलब आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से कीजिए। तो देखिए आसान तरीके से, आसानी से आपका जो सिग्नेचर है उसका जो साइज और जो KB है उसको आप कम कर सकते हो। बहुत प्रॉब्लम होता है जब आप नहीं जानते हो प्रॉपर वेबसाइट या प्रॉपर तरीका, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। अगर आप फोटोशॉप से करेंगे तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, तो आपको फोटोशॉप से नहीं करना है, जस्ट आपको ऑनलाइन तरीके से करना है। ऑनलाइन तरीके से करेंगे बहुत ईजी रहेगा और कोई भी फाइल आप आसानी से मतलब कर पाएंगे। तो देखिए मैंने फोटो ले लिया, फोटो भी आप देख सकते हो इसमें कितना है, 1200 ऐसे करके है। तो इसको भी आप रिसाइज कर सकते हो, जैसे कि विथ में मैंने कर दिया 300, फिर जो हाइट में 400 कर दिया, जो पासपोर्ट साइज का फोटो होता है। फिर इसमें जो क्वालिटी है क्वालिटी को चेंज कर दीजिए, मैंने देखिए 80 कर दिया। 80 करने के बाद फिर इसको रिसाइज करने के बाद आप देख सकते हो इधर 16 KB का हो गया। फिर थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए 90, तो देखिए इसमें कितना हो गया, 26 KB का हो गया। तो इस हिसाब से आप आसानी से कर सकते हो। और एक बात आप सोच सकते हैं कि जो कम MB का बनेगा उसका फोटो का जो क्वालिटी होगा वो बहुत ही मतलब घटिया सा होगा, तो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए 26 KB का फोटो है, इसका क्वालिटी आप देख सकते हो पहले जैसा था अभी भी वैसे ही है, तो इसमें कोई फोटो का क्वालिटी घटता नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो फोटो सिग्नेचर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप आसान तरीके से इसका रिसाइज करना या KB को कम करना, तो आप सब कुछ
यूज़ कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन करेंगे फोटोशॉप से तो आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन ऑनलाइन करेंगे आपका मतलब टाइम बहुत ही कम लगने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, मैं कॉमेंट का रिप्लाई दे दूँगा, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।